द्वार में दिल खुलकर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग मैथ क्लास नंबर 7 में प्रवेश कर चुके हैं और द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 2 है। द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 2 है और इससे पहले द्विघात समीकरण का एक वीडियो पब्लिश हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप जाकर अवश्य उसे देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो अपना है 31 से लेकर 65 तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज के सेशन में हम लोग 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 तक सोल्व करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट सेशन, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ बोला जाना है कि विवेचक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विवेचक, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम डी से भी सूचित करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला तो यही होता है। यहाँ से बी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? बी बराबर क्या दिया हुआ है? बी बराबर माइनस 4 दिया हुआ है और ए बराबर दिया हुआ है 2 और सी बराबर दिया हुआ है प्लस 3। इसी को हम इसमें मान को पुट कर देंगे तो क्या होगा? माइनस 4 का होल स्क्वायर। माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे ना, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 और सी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। इसको जब हम पुट करेंगे तो 4 × 16 माइनस 4 × 8 8 × 3 = 24 कितना हो जाएगा? 24 माइनस 8 वैल्यू होगा क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इस प्रकार से आपको विवेचक का फॉर्मूला याद करके रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखेंगे अगर मूल वास्तविक और समान है तो डी इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मूल असमान और वास्तविक है तो डी किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा डी होगा। ये भी होगा कब? जब मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा तब, अगर छोटा हो, काल्पनिक हो या अवास्तविक हो। क्या हो? मूल जब अवास्तविक होगा तो डी का वैल्यू क्या होगा? छोटा हो जाएगा। किससे? 0 से छोटा होगा, यानी कि डी का वैल्यू माइनस में आएगा। तो इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मूल क्या है, इसका मूल वास्तविक है या अवास्तविक है, तो आप क्या बोलेंगे? अवास्तविक। इसका मूल क्वेश्चन नंबर जो अभी 31 का पूछा जा रहा है, यहाँ पे अगर मूल पूछ दिया जाए कि मूल की प्रकृति क्या है तो अवास्तविक, अवास्तविक बोलेंगे। और क्या? असमान। मूल वास्तविक, अवास्तविक और असमान बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप सभी के लिए एक डिवीज परिवार आप सभी के लिए एक शेड्यूल जारी किए थे। शेड्यूल क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। तो शेड्यूल है आप सभी के लिए, अगर सुबह में आप जुड़ते हैं 7 बजे तो आप सभी के लिए मैथ क्लासेस चलेगी, बिल्कुल लाइव चलती है सुबह में 7 बजे। कितने बजे? सुबह में 7 बजे और शाम को 7 बजे रीजनिंग क्लासेस चलती है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? तो मॉक टेस्ट चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? तो मॉक टेस्ट चल रहे हैं और बिल्कुल अभी तक लगभग हम लोग 23 सेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं कॉल कल तक, और आज हम लोग 24 नंबर सेशन को कंप्लीट करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहती है। तो आप निश्चित रूप से डीएलएड एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग के सेशन में जुड़ेंगे, और डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह में 7 बजे मैथ के लिए तो और रूप से ही जुड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ। अगर आप क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं जो अभी पीपीटी के फॉर्मेट में आप देख रहे हैं, यह फॉर्मेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए पीडीएफ या जो भी प्राप्त करना चाहते हैं क्लास नोट्स या टेलीग्राम के डीवीएस स्टडी पे और इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे तो उपलब्ध है। इसके साथ साथ अब व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उपलब्ध है। और सभी का लिंक आपको कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कहां मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा। तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मूलों का योग क्या होगा, यानी कि मूल क्या होगा? एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा यही ना पूछा जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? बी बराबर 2 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से 2 क्या करेंगे? माइनस को इक्वेशन का है, माइनस फॉर्मूला का है, तो माइनस 2 लिखेंगे और 1, यानी कि कितना इसका आंसर होगा? माइनस 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेशन इस प्रकार का सेशन मात्र चैनल डीबीएस स्टडी पे और डेली लाइव आती है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है क्या? 33 में पूछा जा रहा है कि शून्य इतना बहुपद का शून्य के एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा जा रहा है, यानी कि सी बाई ए। क्या बोलेंगे? सी बाई ए। तो सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? सी बराबर 10 दिया हुआ है और बी बराबर 7 दिया हुआ है और ए बराबर 1 दिया हुआ है। यहाँ पे मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी 10/1 यानी कि 10। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। आगे इस सेशन में थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुपद के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग पीछे के सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको यह क्वेश्चन या सेशन नहीं समझ में आ रही है तो आप कोशिश करेंगे पिछले का सेशन देखने के बाद ही इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर से अल्फा प्लस बीटा ही पूछा जा रहा है। क्या? अल्फा प्लस बीटा ही पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी बाई ए लगाएंगे। तो माइनस बी बाई ए लगाएंगे तो बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? बी का वैल्यू
माइनस टू और सी का वैल्यू 5 दिया हुआ है और ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से माइनस और माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से 1 का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, थोड़ा सा स्पीड से भी चलेंगे। यहाँ पे बहुपद पूछा जा रहा है, बहुपद क्या है? तो यहाँ पे 4x² + 1/7 लिखा हुआ है, क्या ये बहुपद है या नहीं? हाँ तो बिल्कुल बहुपद है। बहुपद हम किसको बोलते हैं? जिसका चर, चर किसको बोलते हैं? अल्फाबेटिकल संख्या को, अल्फाबेटिकल अक्षर का पावर पूर्णांक में होना चाहिए। तो पावर इसका पूर्णांक में है कि नहीं? हाँ पावर तो पूर्णांक में है, यानी कितना पावर दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघात होगा, त्रिघात होगा, बहुपद होगा या सरल होगा? तो आप बोलेंगे कि हम द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? तो 2 है। पावर कितना है? तो 2 है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि बहुपद क्या है? तो द्विघात बहुपद है। द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं, द्विघात बहुपद भी बोलेंगे। बिल्कुल सही आंसर यही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 35 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण के लिए पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्या जो ऑप्शन नंबर ए में है क्या? नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर। यहाँ पे तो दिया हुआ है इक्वेशन, तो दिया हुआ है ax² - bx + c, क्या व्यापक रूप यही होता है क्या? नहीं, व्यापक रूप तो यह नहीं होता है, लेकिन ये द्विघात समीकरण तो है, क्योंकि द्विघात इसका पावर कितना है? स्क्वायर में तो है, तो हम निश्चित रूप से बोलेंगे कि अपना आंसर क्या होगा? यही होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी और डी क्यों गलत होगा, इसको हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं आगे। तो आगे देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो x में x से गुना करना होगा, x में x से गुना करेंगे तो x² + 3x, और इधर से माइनस x जाएगा, क्या हो जाएगा? x² = 0 हो जाएगा। जब इधर यहाँ वाला जो x² है ये बराबर के साइड प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा ना। तो x² से x² खत्म ही हो जाएगा, तो क्या होगा? 3x = 0। यानी कि क्या बोलेंगे, क्या यहाँ पे x² का पावर आया, क्या स्क्वायर पावर आया है क्या? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण है ही नहीं। अगर द्विघात समीकरण होता तो निश्चित रूप से पावर 2 आता ही, पावर 2 आता ही। पावर कितना आता? पावर 2 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि स्क्वायर पावर में नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, इसको सोल्व करेंगे, किसको? इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? x² + 1/x² + कितना दिया हुआ है? यहाँ पे प्लस नहीं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे प्लस है ही नहीं, इतना ही इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। कितना? इतना ही इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन हटाते हैं, क्या? प्लस का साइन हटाते हैं और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो प्लस का साइन यहाँ से भी हटा देंगे, और यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? बराबर 2 लिखेंगे, और यहाँ से x² तो क्या करेंगे, x² में गुना कर देंगे +1, या आप इसको गुना उना कुछ नहीं कीजिए, यही को हम करेंगे, तो क्या होगा? x² + x, जब x² नीचे में है, बट्टा में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2x होता है ना। जब -2x हो जाएगा तो आपको आप पढ़े हैं कि किसी भी चर मान का पावर क्या होगा? माइनस में नहीं होगा, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब इंटीजर होना चाहिए, वो भी क्या? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? पावर में कम से कम द्विघात के लिए 2 होना ही चाहिए। यहाँ पे पावर में तो 2 है एक वाले में, लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं कि माइनस है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? द्विघात नहीं है। तो अपना बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 37 भी। यहाँ पे विवेचक पूछा जा रहा है, क्या? विवेचक यानी कि डी पूछा जा रहा है। डी बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे b² - 4ac। ये फॉर्मूला 2-4 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना ही होगा, कि आपके एग्जाम में इसी से बेसिक द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बनेंगे। और अगले सेशन में हम लोग त्रिकोणमिति के एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हम लोग द्विघात पढ़े हैं 2 चैप्टर में, 2 पार्ट में पढ़े हैं ना, तो हम लोग त्रिकोणमिति की कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में पूरे वीडियो को, यानी कि पूरे कंटेंट को एक ही वीडियो में कंपाइल करके आप सभी के सामने पब्लिश कर दिया जाए। यहाँ पे देखेंगे तो d बराबर फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac। तो यहाँ पे a बराबर क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है, और b बराबर क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है, और c बराबर -c दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना, यही मान हमें पुट कर देना है। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो b² बराबर क्या है? b² बराबर b का मान क्या दिया हुआ है? a, a का स्क्वायर करेंगे, और -4। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है। a का वैल्यू b दिया हुआ है, और c का वैल्यू -c दिया हुआ है, क्या? -c दिया हुआ है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो a² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4bc। क्या यही सही है? क्या यहाँ से आप करेंगे इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे, या आप कह सकते हैं कि 4ac, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा?
ए स्क्वायर प्लस फोर ए सी, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस फोर बी सी, बिल्कुल सही आंसर तो वही दिया हुआ है ना, डी बराबर हमें ज्ञात करना है, तो विवेचक बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फोर बी सी, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे दिया गया है कि मूलों का योग, क्या पूछा जा रहा है, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आप फॉर्मूला पढ़ेंगे माइनस बी बाई ए, क्या माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए पढ़े हैं, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या होगा, ए बराबर तो ए दिया हुआ है और बी बराबर माइनस बी दिया हुआ है और सी बराबर सी दिया हुआ है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो माइनस बी दिया हुआ है ना, तो माइनस एक फॉर्मूला का भी होता है और माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस बी दिया हुआ है और ए का वैल्यू तो ए दिया ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी बाई ए, क्या हो जाएगा बी बाई ए, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैनल है, इस प्रकार के कंटेंट मात्र चैनल डीबीएस स्टडी पे मिलेंगे, तो आप निश्चित रूप से इस सेशन को लाइक भी कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको जो जानकारी दी जा रही है वो काफी फास्ट में दी जा रही है और बेसिक से बताई भी जा रही है और कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है, लेकिन और चैनल पे देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए होगा, ए लगाओ बी लगाओ सी लगाओ, इस प्रकार से चल रहा है, तो वैसे हम लोग नहीं करके पूरा डिटेल से साथ चल रहे हैं, तो अगर आपका चैप्टर कंप्लीट भी नहीं होगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपका कंप्लीट नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला आपको नहीं याद है वो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा क्योंकि एक ही दो तीन चार फॉर्मूला पे काफी इंपॉर्टेंट सेशन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाए गए हैं। यहाँ पे फिर से अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए पढ़े हैं ना, यहाँ से देखेंगे तो का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस एक्स, क्या माइनस एक्स दिया हुआ है और माइनस फॉर्मूला का भी है तो माइनस एक्स बाई कितना हो जाएगा a, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना है 1 है, यहां से 1 करेंगे तो x माइनस से माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और प्लस में x होगा यानी कि 1 बटा x बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा x, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहां पे तो है ही नहीं, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे x में तो वैल्यू दिया हुआ है नहीं तो हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, x बराबर क्या होगा, यहां से जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे क्या करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे यहां से इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस फोर, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे qx qx और हमें qx x का वैल्यू प्राप्त करना है जो जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो x बराबर हम क्या डालेंगे qx बराबर तो आपको दिया हुआ है qx बराबर इतना दिया हुआ है, हम यहाँ पे x का वैल्यू डालेंगे, चलिए हम लोग माइनस वन पहले डाल के देखते हैं, क्या पहले माइनस वन डाल के देखते हैं, तो माइनस वन डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस फोर, क्या ये होगा जीरो, नहीं ना, क्या इतने बराबर होगा, क्या मान आएगा, नहीं ना, क्योंकि वह तो कटेगा ही नहीं, जब नहीं होगा तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता है माइनस का स्क्वायर प्लस वन होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन और प्लस फोर हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस सिक्स, क्या सही है, क्या सिक्स होगा, नहीं ना, अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमारा, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे शून्य ज्ञात कर लीजिए, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा ही ज्ञात कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा आप ज्ञात करेंगे या अल्फा बोल सकते हैं ना, द्विघात समीकरण का दो वह क्या होता है शून्य होता है, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है, दूसरा बीटा होता है तो पहले हम अल्फा ज्ञात कर लेंगे और बीटा ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे जो आएगा अपना वही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे टू एक्स प्लस टू, कितना लिखेंगे टू एक्स प्लस टू, क्या इसको इक्वेशन को हम सोल्व करने के योग्य है, तो बिल्कुल योग्य है, इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे जो शून्य का आएगा वहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे और बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 आपके लिए छोड़ा गया है, इस इक्वेशन को बिल्कुल आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आएगा नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में एक फॉर्मूला पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला पूछा जा रहा है जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो क्या आपको याद है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद है क्या, हाँ बिल्कुल याद नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर आपको बताने की कृपया करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग बताने की योग्य है कौन सा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, तो ये तो आप कोशिश करेंगे कौन सा सही है ये आप बताने की कृपया करेंगे, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आप बुक का हेल्प भी ले सकते हैं, क्या करेंगे थोड़ा सा बुक का आप हेल्प ले सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ही, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तब तो ये आप बिल्कुल सही आंसर बता पाएंगे ना क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, तो आप थोड़ा सा याद कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या इसका फॉर्मूला होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, अगर इसका आंसर आपको इसी सेशन में बता भी दिया जाएगा, मूल समान होंगे, मूल समान होंगे तो क्या होता है डी बराबर जीरो, डी बराबर जीरो होता है तो डी बराबर जीरो होगा तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी हो जाएगा, क्या इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, बी स्क्वायर
माइनस फोर ए सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर ए सही है तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में आप चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 42 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन क्यों सही है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं, क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं या विविक्तकरण कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आंसर क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को किस चीज से सूचित करते हैं? तो d बराबर सूचित करते हैं, d से सूचित करते हैं, और d को हम क्या बोलते हैं? विवेचक भी बोलते हैं और ऑप्शन नंबर बी भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है द्विघात बहुपद में जिनके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस 3, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल 2 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है? माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर पढ़े हैं सी बाई ए। क्या पढ़े हैं? सी बाई ए। तो यहां से हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या होगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर 3। बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर 3 निकलेगा, और यहां से सी बराबर देखेंगे तो 2 हो जाएगा यहां से, और ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 1 हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा? ए बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि सभी के बट्टा में क्या है? 1 ही है। लूप कहते हैं यहां से ए व्यापक व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही ना होता है व्यापक रूप। तो यहां से हम a का मान रखेंगे, a का मान 1 है इंटू x स्क्वायर प्लस b का मान कितना दिया हुआ है 3, और x प्लस c का मान कितना दिया हुआ है 2, और इसको जब आप गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? 3x क्या होगा? 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हल समुच्चय है, हल समुच्चय माइनस 9 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और इधर x हटेगा तो इधर प्लस 9 माइनस प्लस माइनस x चलता है। तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस 3 बोलेंगे, x बराबर आप बोल सकते हैं कि 3 भी होगा और माइनस 3 भी होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 समीकरण के मूल समान है। जब समीकरण के मूल समान है तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला? जब मूल समान है तो फॉर्मूला क्या होता है? मूल समान होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे b by 2a होगा या क्या होगा आपको बताना है? तो b by a 2a होगा या दूसरा कुछ होगा। तो होगा तो होगा क्या, या आपको आंसर में बताना ही है। तो मूल जब समान है, मूल समान है तो क्या होगा? मूल सामान्य है तो यह फॉर्मूला बनता है b by 2a या माइनस बी बाई 2a। दोनों मूल क्या होगा? यही होगा, माइनस बी बाई टू ए। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला आपको याद रखने योग्य है क्योंकि कभी भी यह इक्वेशन आपसे पूछा जा सकता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 समीकरण के मूल समान है तो यहाँ पे मूलों के मान क्या होंगे आपसे इक्वेशन में पूछेगा कि मूलों के मान क्या होंगे। तो माइनस बी बाई 2a बोलेंगे, क्या बोलेंगे? माइनस बी बाई 2a बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ने से पहले, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि अभी डीलेट का एग्जाम का डेट भी नहीं है और अपने सेशन तो चल ही रही है। तो डेली का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य है तब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेंगे ना। इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा और बीटा का मान आएगा, एक अल्फा आ जाएगा और एक बीटा आ जाएगा, दोनों का आएगा तो ऊपर और नीचे बटम रख देंगे और जो अपना आंसर आएगा सोल्व करने के बाद, बटा पर के जोड़ करने के बाद जो अपना आंसर आएगा वो बिल्कुल अपना आंसर सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आप बढ़ेंगे तो यहाँ से ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बराबर फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर भी फॉर्मूला पढ़े हैं, तो दोनों का मान आप बैठा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्या आपको समझ में आया? हाँ बिल्कुल, इसी फॉर्मूला पे आपको सोल्व भी करना होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, आप कमेंट करके व्हाट्सएप से बताएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है, द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल होंगे जब मूल्य शून्य के बराबर हो, विवेचक d के बराबर हो, यानी कि क्या कहा जा रहा है, वास्तविक होगा और समान होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू अगर जीरो है, यानी कि मूल वास्तविक भी है, मूल वास्तविक भी है और समान भी है। अगर समान नहीं होता तो जीरो के बराबर तो होता ही नहीं। अगर यहीं पे बोला जा रहा है मूल तो वास्तविक है, क्या है, मूल वास्तविक तो है लेकिन असमान है, मूल वास्तविक तो है लेकिन असमान है, क्या है, असमान है। तो इसके लिए कंडीशन दूसरा है, इसके लिए कंडीशन दूसरा है, क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो आपको बोलना होगा, क्या बोलना होगा, डी ग्रेटर देन जीरो बोलना होगा। अगर मूल असमान है, मूल क्या है, अवास्तविक है, मूल अवास्तविक है, मूल अवास्तविक है, तो आप क्या बोलेंगे, मूल अवास्तविक है, तो इसके लिए आपको बोलना होगा क्या, मूल अवास्तविक और क्या है, मूल अवास्तविक और वास्तविक नहीं है या अवास्तविक है, तो इसके लिए आपको बोलना होगा डी लेस देन जीरो, यानी कि डी का मान जो होगा वह जीरो से भी छोटा होगा, यानी कि डी माइनस में आएगा। जैसे आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू माइनस में आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि द्विघात समीकरण का विवेचक का मान माइनस में जा रहा है, और उसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। क्या आपको समझ में आया? हाँ, तो समझ में तो आ ही गया। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसके लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्लासेस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर किस 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो के शून्य अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान तो हम लोग पढ़े ही है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी पढ़े हैं, क्या होता है, माइनस बी बाई ए, या आप इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो अल्फा और बीटा आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। माइनस बी बाई एक करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तो माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 49 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर पूछा जा रहा है आपसे कि आखिर इसका आंसर होगा तो होगा क्या, यही आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए। जब जानकारी होगी तब तो आप इसका बिल्कुल सही आंसर बता पाएंगे ना, अगर जानकारी नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताने के योग्य ही नहीं होंगे, और जब योग्य नहीं होंगे तो आप इसका बिल्कुल सही आंसर बता भी नहीं सकते हैं। इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर बताएंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो के मूल होंगे, मूल क्या होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर अगर आपको पता होगा तब तो बता पाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 49 का काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस क्यू बटा एपी, यह कैसे आएगा यह आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी इंपॉर्टेंट है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा का मान होगा, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा का मान होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, सी बाई बी माइनस सी बाई बी माइनस सी बाई बी माइनस सी बाई बी, क्या फॉर्मूला यही था क्या, क्या फॉर्मूला यही था क्या, हाँ होना तो यही चाहिए था, एक बार कंफर्म ही कर लेना उचित बनता है, क्योंकि हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाता है तो आंसर इसका बिल्कुल मिलने के योग्य तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा का मान क्या यही होगा क्या, वन बाई क्या माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए होता है क्या, माइनस बी बाई सी होता है क्या, माइनस बी बाई सी, यहाँ पे सी और बी का स्थान उल्टा नीचे लिखा हुआ है, यानी कि माइनस बी बाई सी हो जाएगा। यहाँ पे बी का वैल्यू देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, और सी का वैल्यू माइनस टू दिया हुआ है, यहाँ से देखेंगे तो माइनस वन बाई माइनस टू माइनस माइनस कैंसिल, और आंसर आपका आएगा वन बाई टू, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर ए सही हुआ था, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा जा रहा है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यह एक्स स्क्वायर है क्या है, एक्स स्क्वायर है, यह एक्स स्क्वायर है, इक्वेशन आपका लिखा हुआ है क्या, इक्वेशन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इक्वेशन में इस प्रकार से लिखा हुआ है टू एक्स प्लस फाइव,
कि शून्य ए बी हो तो ए बी का मान होगा, यानी कि अल्फा बीटा है तो मान क्या होगा सी बाई ए, सी बाई ए होता है ना, तो सी का मान क्या दिया हुआ है पांच दिया हुआ है और ए का मान वन दिया हुआ है। यहाँ सी इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो का विवेचक शून्य है तो मूल समान मूल बीटा का मान होगा, समान मूल बीटा का मान क्या होगा, समान मूल बीटा का मान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान मूल बीटा का मान बी बाई टू सी होगा, बी बाई टू सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ेंगे 53 के लिए। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का योग होगा, क्या होगा शून्य का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बाई ए लिखते हैं, माइनस बी बाई ए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए बढ़ेंगे यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है तो के मूल क्या होंगे, समान होंगे असमान होंगे और वास्तविक होंगे, क्या होंगे तो मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक मूल तो होगा और d बराबर जीरो होता है तो क्या होता है मूल समान होता है, मूल समान होता है और वास्तविक भी होता है। अगर यही d जीरो से बड़ा हो, d जीरो से बड़ा हो तो असमान होता है, समान वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान होगा तो क्या होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर समान होता है डी तो यहाँ पे डी बराबर क्या लिखा होता है, डी बराबर जीरो लिखा होता है। अगर समान या बराबर का वैल्यू क्या है, दोनों का मान या समझना, तो दोनों का अर्थ वही निकलता है ना, समान हो बराबर हो तो डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए था। इनमें से कोई नहीं कब होता है, जब ऑप्शन नंबर ए भी गलत होता। अगर यहाँ पे समान लिखा रहता या इक्वल टू लिखा होता तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत होता, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे 55 की ओर। द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 इक्वल टू का मान क्या होगा, मान क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, x का मान है यहाँ पे पुट कर देते हैं, जब x का मान पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा तो वही अपना बिल्कुल सही आंसर होगा, या तो यहाँ से आप इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे जो आएगा वो होगा। तो हम लोग यहाँ से मान ही पुट करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे मान ही पुट करने की कोशिश करेंगे या इस इक्वेशन को सोल्व भी कर लेंगे। यहाँ से जब इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स हो जाएगा और माइनस थ्री हो जाएगा, इक्वल टू जीरो रखेंगे और यहाँ से टू एक्स हम कॉमन ले जाएंगे तो एक्स माइनस थ्री और प्लस वन एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, क्या होगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से निकलेंगे तो टू एक्स प्लस वन और यहाँ से x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ से टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और इधर निकलेगा x प्लस x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ से आएगा x बराबर थ्री, x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर थ्री और इधर हो जाएगा x माइनस वन बाई टू। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। अगर यहाँ पे माइनस थ्री होता तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए गलत होता, लेकिन अभी के लिए तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अभी आपका आंसर हो जाएगा क्या, अभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ए एंड सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ेंगे यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो तो मूल क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे या बराबर होंगे, तो मूल क्या होगा, मूल समान होगा या बराबर होगा, मूल समान होगा या असमान होगा या बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है तो मूल समान होता है, मूल क्या होता है, मूल समान होता है। जब मूल समान होगा यानी कि बराबर भी उसको बोल सकते हैं, जब समान या बराबर होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जब बराबर होगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ेंगे अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद इफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर सोल्व कर लीजिए या इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। तो हम लोग पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा अल्फा स्क्वायर करने के लिए, तो सबसे पहले आपको तो इसका मान ज्ञात होना चाहिए ना, इस इक्वेशन को सोल्व करना उचित समझते हैं, इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे, यहाँ से x हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 5, x माइनस 5। तो एक आया आपका x बराबर 2 और दूसरा आया x बराबर 5, इसको जब इक्वल टू जीरो करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा
जीरो करेंगे तो बिल्कुल इसका क्या आ जाएगा, तो जीरो का बराबर एक्स बराबर दो हो जाएगा और एक पांच हो जाएगा, एक्स बराबर दो और पांच, यानी कि यहाँ पे एक अल्फा का मान दो हुआ और बीटा का मान पांच हुआ, अल्फा का मान दो हुआ और बीटा का मान पांच हुआ। तो आप इसको जोड़ने के बाद भी स्क्वायर कर सकते हैं, अल्फा अल्फा का मान कितना हुआ है तो अल्फा का मान दो हुआ है, तो इसी में हम लोग फिट कर देते हैं और जो आएगा वही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो सात का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सात का स्क्वायर इक्वल टू उनचास, कौन सा सही है तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है, यदि किसी द्विघात समीकरण में विभेचक शून्य हो तो दोनों मूल्य होंगे, दोनों मूल्य क्या होंगे, दोनों मूल्य समान होंगे, बराबर होंगे या असमान होंगे, तो मूल तो बराबर होंगे, क्या होंगे, मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, मूल बराबर होंगे और मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल का क्रमांक क्या है, अल्फा अल्फा प्लस बिट्टा, अल्फा प्लस बिट्टा बराबर दो दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि बी का फॉर्मूला बी बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस टू दिया हुआ है और यहाँ से अल्फा इंटू बिट्टा निकालेंगे तो दिया हुआ है आपका 15 दिया हुआ है। देखिए यह गुणनफल है और यह आपका योगफल है, जब इसको करेंगे तो सी बाई ए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि C बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर 15 हो जाएगा और यहाँ से A बराबर आप कह सकते हैं कि 1 होगा, क्या होगा, और यहाँ से AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू 1 हो जाएगा और X स्क्वायर प्लस B का वैल्यू माइनस 2 दिया हुआ है और X प्लस C का वैल्यू 15 दिया हुआ है इक्वल टू 0, यहाँ से X स्क्वायर माइनस 2X प्लस 15, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 15, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कहते हैं, या इसको आप बी से भी सूचित करते हैं और इसको विवेचक भी बोलते हैं, विवेचक भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विवेचक भी बोला जाता है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, यहाँ पे सबसे पहले डी ही आपको ज्ञात करना होगा, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए सी, तो यहाँ पे बी बराबर आपको क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन में बी बराबर आपको ए बराबर तो सबसे पहले 1 दिया हुआ है, ए बराबर 1 दिया हुआ है, बी बराबर माइनस पी दिया हुआ है और सी बराबर क्यू दिया हुआ है, तो इस मान को आप फिट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर और माइनस फोर ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है और सी का वैल्यू क्यू दिया हुआ है, यहां से निकालेंगे तो पी स्क्वायर और माइनस फोर क्यू हो जाएगा, माइनस फोर क्यू, यानी कि कौन सा, यहाँ पे माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर फोर क्यू, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 के लिए, क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होता है, माइनस बी बाई सी, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी का वैल्यू माइनस 5 दिया हुआ है और सी का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस 5 क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा ना, 5/7, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अभी तक हम लोग 62 नंबर तक क्वेश्चन में पहुंच गए हैं और यह अपना वीडियो भी लास्ट है और द्विघात समीकरण का, इसके बाद आप सभी को बता दूं कि त्रिकोणमिति का वीडियो आएगा और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, उससे भी काफी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 18 हो जाएगा, गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो 6x² और 9x प्लस 2x कर देंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा कितना, 2x माइनस 3, कितना बचेगा, 2x माइनस 3 और प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू आप 0 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं तो कर दीजिए, अन्यथा 3x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आपका निकलेगा कितना, -1/3 और दूसरा आप करेंगे क्या, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, जब इसको करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3/2, यहाँ पे एक मूल आपका होगा -1/3 किसमें दिया हुआ है, -1/3, देखिए इसमें -1/3 दिया हुआ और 3/2 अगर प्लस में होता तो ऑप्शन नंबर डी सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
-3/2 दिया हुआ है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 1/3 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। 64 में आपसे दिया गया है कि द्विघात बहुपद x²+3x+2 का शून्यक होगा, शून्यक होगा, यानी कि आपको भी यहाँ पे सोल्व भी करना है इस इक्वेशन को। यहाँ पे x²+2x+1x कर देंगे, प्लस टू कर देंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 1 होगा, x प्लस 1, और इधर करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इधर करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब इक्वेशन निकलता है तो 0 करना ही पड़ता है x का वैल्यू निकालने के लिए, तो -1 करेंगे, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यानी कि -1 -2 -1 -2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और आज इस सेशन का, आज के इस सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या आंसर होगा आपको बताना है, 1/α+1/β का मान पूछा जा रहा है, 1/α+1/β का मान पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे, 1/α+1/β का -b/c जब बोलते हैं तो -b का वैल्यू क्या होता है, बी का वैल्यू क्या होता है, तो बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यहाँ पे बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और सी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसको जब फिट करेंगे तो -2/3, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। आज इसके सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सेशन अपने चैनल स्टडी पे ही मात्र डेली प्रतिदिन लाइव होते हैं, डेली प्रतिदिन लाइव होते हैं, सुबह में 7 बजे मैच के लिए और शाम को 7 बजे रीजनिंग के लिए। आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस क्लास का नोट्स सेंड कर दिया जाएगा, या आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल आप सभी के लिए नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।